ख्वाब ख्वाब होते हैं, लेकिन राजग के लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने MLC चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमारी ही पार्टी चुनाव जीतेगी और एक बार फिर से सरकार बनाएगी। उधर विपक्ष का कहना है कि जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, तमाम उसके बागी विधायक भी इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच इस पर जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये तो तमाम पार्टियां लगातार एक साल से बोल रही हैं, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और बड़े नेताओं को भी मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये पिछले एक साल से आप ये सवाल पूछ रहे हैं और पिछले एक सवा साल से राजद के लोग हर सेशन के वक्त में अपने विधायकों को मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब उनके अधूरे रहेंगे। और कई बार होता है ख्वाब ख्वाब होते हैं, लेकिन राजद के लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं, ये एक अच्छी बात है। आगे उन्होंने भागलपुर ब्लास्ट मामले पर कहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां काम कर रहे हैं, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा हम खुद वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, जो लोग बचे हुए हैं उनकी हर संभव कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इंजीनियर शैलेंद्र और प्रणव यादव साथ गए थे। पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा था कि आप एक बार विजिट करके वहाँ पे आ जाइए। ऐसे भी भागलपुर से हमारा पुराना रिश्ता है, वहाँ पर हम दर्द बांटने गए, आंसू पोंछने गए, बहुत भयावह घटना हुई, 15 लोगों का देहांत हो चुका है, कुछ लोग 4 लोग हॉस्पिटल में थे, मैं उनसे भी मिलकर आया, परिवार के जो पड़ोसी थे उनके भी मकान उड़ गए, तो वो बिना मकान के हो गए और छत उनके सर से हट गया है, और क्योंकि डेंजर है तो इसलिए प्रशासन वो उस मकान को हटा भी रहा है। तो अगर उनका दोष पड़ोसियों का तो नहीं है, उनके लिए क्या इंतजाम होगा, इसके लिए वो मांग कर रहे थे। 3 मांग पत्र उन्होंने दिया। वहाँ जो लोग बचे हैं परिवार के, जो भी उसमें दोषी हो, इसकी जांच हो रही है, प्रशासन पूरी तरह जांच कर रहा है, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं उनको खाने पीने का इंतजाम, इसके लिए हमने पार्टी के तौर पर वहाँ निर्देश दिए अपने कार्यकर्ताओं को, वो उसकी चिंता कर रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ी है, लेकिन जांच से पहले कोई अलग राय बनाना सही नहीं है। पटाखे का वो काम करते थे, एक घर में हुआ, और इसका कोई भी रंग इसको देना भी सही नहीं है। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।